Say hi. Manu, say hi. Hey, Matiko. Say hi. Pahle hi karo. Hi. Say hi. Baishi. 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 Manu, kya wali hai? Baishi. Baishi. Adi, hand ko apna aise karo. Aise karo. Wow, Baishi hai ye. वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ आरती. कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो आज है वेनसडे और अभी टाइम हो रहा है 6:30 है. और मैंने वैसे आज दिन से सोचा था कि दिन से मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करूँगी, बट मैं इवनिंग से कर रही हूँ क्योंकि आफ्टरनून में इतनी बारिश हो गई थी. और जब बारिश होती है ना, मेरे लिए बहुत भारी हो जाती है क्योंकि ये आप विंडो देख रहे हो, यहाँ से सारा पानी अंदर आता है और किचन के ऊपर भी एक जाली से जाला सा बना हुआ है, उधर से भी आता है. अंदर कबर्ड भरी हुई है, वहाँ से ही पानी आता है. वाह, सब जगह से पानी पानी. स्विमिंग पूल जाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो बस उसको समेट रही थी, क्लीन कर रही थी पूरे घर को. मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी थी, उसके बाद बारिश आ गई तो क्लीन करा. और मेरे फेस को इग्नोर करना क्योंकि मैंने थ्रेडिंग नहीं बनवाई है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा जाने का. जब टाइम मिलेगा तब जाएंगे. बेटा होता है, बेटे को ले जाना सेफ नहीं है, इसलिए मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ. शाम को ये आ जाते हैं, फिर टाइम नहीं मिलता तो टाइम निकालेंगे, जाएंगे जल्दी से. वैसे मैं घर पे बना लेती हूँ, बट जो मेरे रेजर वाले प्लेट थे वो काम करना बंद कर दिया उन्होंने, वो एक्सपायर हो चुके हैं. और हम गए थे ग्रोसरी लेने बिग बाज़ार, बट वहाँ कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी सामान नहीं था ग्रोसरी का. एक आधा ही था तो हमने सर्फ वगैरह लिया, जो लेना था वो लिया. और किचन का तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ मतलब कुछ भी नहीं मिला. जो जो हमें चाहिए थी आइटम वो नहीं मिली, तो हम नहीं लेकर आए, सिर्फ सर्फ ही लेकर आए हैं. अब कल जाएंगे, जो यहाँ पर किराने की दुकान है उधर जाएंगे, जो मार्केट में है वहाँ से लेकर आएंगे, क्योंकि सारा सामान ख़त्म हो रहा है. बस वहाँ जाना भी वेस्ट था, आज का दिन ही ख़राब था. और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय. तो मैंने सोचा कि चलो दिन में टाइम नहीं मिला तो इवनिंग से ही स्टार्ट कर देते हैं, और मैं आप लोगों से डिनर का भी शेयर कर दूँगी कि आज मैं डिनर में क्या बना रही हूँ. और बाय द वे मैं अभी तो बनाने जा रही हूँ चाय. और नन्नू के पापा टेरेस पे हमेशा गिर रहे, शाम को वो होते हैं टेरेस पे. और आज तो ओसम वाला वेदर हो रहा है, जो हवा है वो भी ठंडी चल रही है क्योंकि और बहुत दिन से गर्मी भी हो गई थी. अच्छा, आज मौसम अच्छा हो गया. मैं अब बनाने जा रही हूँ चाय, और चाय भी मैं टेरेस पे लेके जाऊँगी क्योंकि नंद के पापा ऊपर ही हैं. और तो चलो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के टाइम पे. अगर बीच में टाइम मिल गया तो मिल लूँगी. चाय लेकर मैं टेरेस पे आ चुकी हूँ, और हस्बैंड साथ वाली छत पे इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे हैं जिनके साथ नन्नू खेल रहा था. देन हस्बैंड इसलिए वहीं रहते हैं ताकि नन्नू का ध्यान रख सके. और यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी चाय को एंजॉय. ठंडी हवा चल रही है, वेदर एकदम ऑसम वाला हो रखा है यहाँ पर. गाइस, चाय पीने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ और इतने में मेरा डिनर का टाइम भी हो जाता है. तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन के कट्टे, और हमारे में बेसन के कट्टे बोलते हैं और बेसन वाली कड़ी भी बोलते हैं. तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, और इसमें मैंने सूखा धनिया डाल दिया है पिसा हुआ, और पिंच हल्दी डालेंगे, मिर्च डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे थोड़ा सा, एंड थोड़ी सी हींग डालेंगे, और ये नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, और थोड़ा सा घी डालेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी. और ये लस्सी वाली कड़ी नहीं है, ये बेसन वाली कड़ी है. लस्सी वाली कड़ी अलग होती है, बेसन वाली कड़ी अलग होती है. ओके, इसमें जब घी डाल देंगे तो इसमें धीरे धीरे पानी करके मैं इसका एक डो बना लूँगी. टाइट सा डो बनाना है हमें ना इसका. ये देखो मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और ताकि ये अच्छे से ना मैश हो जाए एक दूसरे के अंदर, मतलब जो भी मसाले वो अच्छे से मैश हो जाए. और जो डो है वो हमें टाइट ही रखना है, लूज़ नहीं रखना.
अगर आप लूज़ रखोगे तो वो जो हमें बनाना है आगे पीसेस वो नहीं बनेंगे। आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ही पानी डाला है जिससे कि मेरा ये डो रेडी हो चुका है। और ये मैंने दो बंदों के अकॉर्डिंग ही बेसन लिया है। आपके घर में जितने ही मेम्बर हैं आप उतने के अकॉर्डिंग मतलब बेसन ले सकते हो, जितनी भी आपको सब्जी बनानी है। मेरे लिए इतना इनफ था तो मैंने ज़्यादा नहीं लिया। सो गाइज अब हमें पीस कट करने हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी लगा लूँगी। अगर आप प्लेट पे करते हो तब घी लगा लेना, किसी भी चीज़ पे करते हो तो उस पर आप घी लगा लेना। तो अब हम इसे रोल करेंगे अच्छे से, ठीक है, हैंड से ही करना है। और थोड़ा सा पीस लेंगे हम और उसे भी ऐसे रोल करते जाएंगे हल्के हल्के हाथों से, ना ज़्यादा ये मोटा रखना है ना ज़्यादा पतला रखना है, मीडियम साइज़ में ही रखना है हमें इसे। ऐसे रोल करके हम एक साइड प्लेट में रख देंगे। सभी के हमें ऐसे ही बनाने हैं। सबके हम बन चुके हैं यहाँ पर ऑलरेडी, मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था और पानी मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। देन इसे मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी और ये जितने भी रोल बने हैं वो सारे मैं ये पानी में डाल दूँगी। एज यू कैन सी आप लोगों को बीच बीच में चेक करते रहना है कि ये जो आपने रोल बनाए हैं ये आपके अंदर तक पके हैं या नहीं पके हैं। तो मेरे पक चुके हैं तो इसे मैं बंद करके रख दूँगी और 5 मिनट तक ऐसे ढक के रखूँगी। ये गाइस अब बना लेते हैं इसे ग्रेवी। यहाँ पर मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसका आप देख सकते हो कि कलर चेंज हो गया है। कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी हींग, जीरा डाल दूँगी। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी अनियन, मैंने अनियन चॉप कर ली है। और जब अनियन का कलर चेंज होगा तो इसमें डालेंगे टमाटो। और बताओ गाइस ये रेसिपी किस किस ने ट्राई की भी है, कौन कौन किस किस के घर में खाते हैं ये वाली गट्टे की सब्जी या फिर कड़ी की सब्जी बोल सकते हैं, बेसन वाली कड़ी। तो अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं भी किया है तो ट्राई करो, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आएगी। और मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना, उसका इंस्टाग्राम का हैंडल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो गाइस यहाँ पर मेरे अनियन का कलर चेंज हो गया है तो मैंने इसमें डाल दी है टमाटर चॉप करे हुए। सी गाइस और इसे मैं अब पकने दूंगी। इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है और सारे मसाले डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, नमक डाल दूंगी, गरम मसाला डाल दूंगी और हरा धनिया हो जाएगा, ये सब कुछ डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे पकने दूंगी। इसे मैं लो फ्लेम पे ही रखूँगी, लो फ्लेम पे ही ये पकती रहेगी और अपना कलर छोड़ेगी धीरे से और ऑयल भी छोड़ देगी। आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया, ऑयल भी छोड़ दिया है। देन अब मैंने इसमें पानी डाला है एक गिलास समथिंग, वो आधा गिलास, हाँ आधा गिलास पानी डाला था। वो अच्छे से जब तक बॉयल हुआ है, बॉयल होने के बाद मैंने इसमें जो बेसन के जो पीसेस मैंने कट किए थे वो मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से पकने दूँगी। पानी वाला जो मैंने डाला था वो स्किप हो गया है और बस पानी डाला है, उसे अच्छे से बॉईल किया है, फिर मैंने इसमें ये बेसन के कट्टे डाल दिए और देन मैंने अपनी बंद कर दिया। अगर आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो जल्दी से ट्राई करो और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, आपको हैंडल स्क्रीन पे मेंशन हो रहा होगा। और यहाँ पर बस मैं आप बनाने लगी थी रोटी, क्योंकि 8 बजे हमारा डिनर हो जाता है, ऑलमोस्ट 8:30 तक हो जाता है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, फर्स्ट रोटी जाती है नन्नू की क्योंकि वो आराम से खा लेता है, और मैं और मेरे हस्बैंड मैं इकट्ठे बनाती हूँ, हम इकट्ठे ही खाते हैं। तो चलिए गाइज हम यहाँ पर करते हैं डिनर और आप भी आ जाओ डिनर कर लो और बस मैं आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद।
ने डिनर कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपनी किचन भी क्लीन कर ली है। मैंने किचन का इसलिए नहीं दिखाया कि डेली मैं दिखाऊंगी, मैं बर्तन वगैरह कर रही हूँ तो नॉर्मल डेज में ही रहता है, तो रेगुलर ही रहता है, तो उसको क्या रोज़ दिखाऊंगी, इसलिए मैंने वो स्किप कर दिया है। तो बस किचन क्लीन हो गई है, उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत सामान मैं लेकर आई हूँ बिग बाज़ार से उसे मैं सैनिटाइज़ कर रही हूँ। मैंने 1 आवर तक के लिए इसे ऐसे ही छोड़ा था, मैंने टच नहीं किया था, बस लेकर आई थी और रख दिया था। देन मैंने यहाँ पर अब इसे सैनिटाइज़ कर रही हूँ और सैनिटाइज़ करने के बाद, अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे मैं साइड में रख दूँगी और मॉर्निंग में इसे मैं इनको अपनी अपनी जगह पे लगा लूँगी। सो गाइज, यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो और सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई करना सब्जी को और मेरे साथ टैग ज़रूर करना। और बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, पसंद आ गया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जिस किसको भी व्लॉग देखना पसंद हो उनके साथ तो जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। तो एंड थैंक यू सो मच गाइस मेरे व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। मेरे कुछ जो मैंने लास्ट टाइम डाले आपने उस व्लॉग को काफ़ी अच्छा प्यार दिया है, ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहे ताकि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूं, न्यू व्लॉग लाती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चिल एंड बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।